इंडियन सिनेमा के सबसे पास VFX उसकाने वाली मूवी। नंबर 5 पे है ऋतिक रोशन की क्रिश 3 मूवी। 1 नवंबर 2013 को रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किए थे ऋतिक रोशन के पापा यानी कि राकेश रोशन, और ये मूवी VFX के कारण इंडियन सिनेमा में बहुत ही ज्यादा सुपर हिट भी हुई थी। नंबर 4 पे है शाहरुख खान की रावण मूवी। 26 अक्टूबर 2011 को रिलीज हुई इस मूवी ने इंडियन सिनेमा में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई, क्योंकि उसी टाइम पे लोग सुपर हीरो मूवी देखना इतना पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण ये मूवी फ्लॉप हो गई। नंबर 3 पे है रोबोट 2.0। 29 नवंबर 2013 को रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किए थे अशंकर ने, और ये मूवी VFX के कारण इंडियन सिनेमा में बहुत ही ज्यादा सुपर हिट भी हुई थी। नंबर 2 पे है बाहुबली 2। 18 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई इस मूवी ने साउथ सिनेमा को एक नया पहचान दी थी, और SS राजामौली सर के इस मूवी ने VFX के कारण सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवीज में से एक मूवी ये भी बन चुकी थी। नंबर 1 पे है SS राजामौली सर की RRR मूवी, और ये मूवी VFX के कारण इंडिया के अलावा भी कई देशों में अपना नाम बना ली है, और हॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े एक्टरों ने इस मूवी की VFX की तारीफ भी की थी।